अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हो तो इंडियन हैक स्टोर आपके लिए वन गो डेस्टिनेशन है, जहां पे आप किसी भी तरीके की हैकिंग सीख सकते हो, कोई भी बुक, कोई भी कोर्स, जाके मनी अर्निंग मेथड भी यहां से सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके चेक करिए, देरी किस बात की। जिसे हम आज इतिहास कहते हैं शायद भविष्य में वो मिथ्या होगी, और जिसे हम आज मिथ्या कहते हैं वो किसी जमाने में इतिहास था। मार्च 2017 में हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में इंडियन रिलीजन थ्रू देयर नैरेटिव लिटरेचर के एक कोर्स में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों पर पढ़ाने जाने की खबरों ने जैसे आग पकड़ ली थी। और उस वक्त के कोर्स कोऑर्डिनेटर एनी अमोनियस के अनुसार भारतीय महाकाव्यों काफ़ी लंबे और जटिल विचारधाराओं से जुड़ा है, जो मानवता के अनुभव के हर कण को दर्शाता है। जहाँ महाभारत युद्ध और उसके दुष्प्रभावों पर आधारित एक महाकाव्य है, तो वही रामायण प्रेम की एक अनूठी कथा है। पर दुख की बात यह है कि आज भी इन दोनों महाकाव्यों के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं। मैं नहीं जानता कि आप किस वर्ग से आते हैं, पर मेरा तो यही मानना है कि रामायण और महाभारत काल्पनिक नहीं हो सकती, बल्कि ये अविश्वसनीय कथाओं का एक मिश्रण है। आपको क्या लगता है, यारों पत्रों से भरा हुआ महाभारत का कोई इतिहास ना हो, ऐसी बात संभव ही नहीं है। दुख की बात यह है कि भारत जैसे देश में जहां महाभारत और रामायण होने के प्रूफ अयोध्या, मिथिला, पंचल, कसोल, द्वारका, काशी, मदर, चित्रकूट, किष्कंडा, कुरुक्षेत्र में मिलते हैं, फिर भी महाभारत और रामायण के होने या ना होने पर शक किया जाता है। इसकी और गहराई में जाओगे तो पाओगे कि महाभारत और रामायण प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे कि राम सेतु, जो कि रिसेंटली अभी हमने ढूंढ ही निकाला है। जब सैटेलाइट से अर्थ की फोटो ली तो उनको पता लगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में सचमुच में एक राम सेतु है। इसी प्रकार से जब हनुमान जी श्रीलंका गए थे और वहां पे उन्होंने देखा था कि चार दांत वाले हाथी लंका की रक्षा कर रहे हैं, चार दांत वाले हाथी, तो आज जब वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च करी है, साइंटिस्ट ने, तो उनको पता लगा है कि एक एक्सटिंक्ट हाथियों की स्पीशीज है जिसका नाम है गोम्फोथेरे। गोम्फोथेरे नाम अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको चार दांतों वाले हाथी के स्केल्टन दिखेंगे। आपको पता लगेगा कि किसी टाइम पे चार दांतों वाले हाथी सचमुच में एग्जिस्ट करते थे। राम सेतु की खोज इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिस पर चल के भगवान श्री राम लंका पहुंचे थे और रावण का वध कर माता सीता को छुड़वाया था। इतिहास मानता है कि राम सेतु का निर्माण लगभग 5000 साल पहले हुआ था, और उस समय एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा करवाना पॉसिबल नहीं था। पर खुद सोचिए, पूरे भारत का भ्रमण करना और माता सीता कहाँ है, किस दिशा में है, इसका सटीक अनुमान लगाना क्या उस समय एक आम इंसान के लिए पॉसिबल होगा? मुझे नहीं लगता। बट उन्होंने वो करके दिखा दिया श्री राम जी की मदद से। एंड इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, वो इन चीज़ों से पर्दा उठाते रहते हैं। जितनी भी मिथ्स हैं वो मिथ साबित हो जाती है, और जितनी सच्चाई है वो सच्चाई साबित हो जाती है। चाहे वो एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज का वर्णन हो, चाहे वो राम सेतु की बात हो, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ऊपर जाएगी ये चीज़ें सामने आती रहेंगी। एंड उसी प्रकार से जब कुरुक्षेत्र में आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई करी थी, वहाँ पर उनको कुछ तीर और बाले मिले थे, और एक टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम होता है कार्बन डेटिंग या हाफ लाइफ। उसकी मदद से उन्होंने पता लगाया कि ये महाभारत के ज़माने की है, मतलब कि आज से अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पहले की। आप खुद सोचिए, अगर वो उस वक्त की स्टोरी होती या उस वक्त की जस्ट एक लोक कथा होती तो इतने प्रूफ हमें नहीं मिल सकते। कि अगर स्टोरी होती, आजकल भी देखो कितनी मूवीज वो लिखते हैं, बट किसी भी मूवी का ये ऐसे नहीं है कि उस मूवी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने मंदिर बना दिए या उस मूवी को प्रूफ करने के लिए कोई चीज़ बनाई हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये सब कुछ एक मिथ होती, रामायण महाभारत, हमें कोई प्रूफ मिलता ही नहीं उसके रिगार्डिंग। होता तो जनरेशंस पिछले 10000 साल से उसको फॉरवर्ड कर रही है, आज का जो हिंदुज़म है उसके ऊपर बेस्ड है। तो इस प्रकार से बहुत ही कम चांस बचते हैं कि ये सब कुछ फेक हो। एंड अगर आप पूरी मतलब कि कैलकुलेशंस करके देखो तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये सब कुछ सच है और कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी मिथ नहीं है। जो चीज़ें अभी हमें मिथ लग रही हैं, जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रह्मास्त्र।
ब्रह्मास्त्र को उस वक्त का न्यूक्लियर बम बोलते हैं। जी हाँ, ये सुन के थोड़ी हंसी आती है लोगों को, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास न्यूक्लियर बम कहाँ से आ गए कि आज की टेक्नोलॉजी को उसको डेवलप करने के लिए कितने हजारों साल लग गए हैं, तब जाके हम एक न्यूक्लियर बम पे पहुँचे हैं। बट उस वक्त की ब्रह्मास्त्र कहाँ से आ गया उनके पास? अगर आपको नहीं पता ब्रह्मास्त्र क्या है, पुराणों में इसे बहुत ही खतरनाक हथियार माना गया है जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ब्रह्मास्त्र एक टाइप का परमाणु हथियार है जिसको खुद ब्रह्मा ने बनाया था, और बताया जा रहा है कि एक बहुत ही भयंकर अस्त्र है ये, जो अगर चलता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है। इतनी सी बात नहीं, ब्रह्मास्त्र और ऐसे ही कई खतरनाक हथियार जब चलते हैं, चलने के बाद वो अपने ओनर के पास वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब अश्वत्थामा ने महाभारता में ब्रह्मास्त्र चलाया था तो उसको उस ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने का तरीका याद नहीं था, जिसके कारण लाखों लोग मरे हैं। महाभारत और रामायण में ये हथियार गिने चुने लोगों और गिने चुने योद्धाओं के ही पास था, जिसकी खास बात ये थी कि ये दुश्मन को मारने के बाद वापस आ जाता था। पुराणों में हमारे ये भी लिखा है कि जहाँ पे ब्रह्मास्त्र चलता है वहाँ 12 साल तक जीव जंतु कोई भी पैदा नहीं होता, अगर पैदा होता है तो वो उसमें कोई ना कोई रोग लेके पैदा होएगा। एंड ये साबित हो गया जब हिरोशिमा एंड नागासाकी में एटॉमिक बम का यूज़ करा गया था। उसकी रेडियो एक्टिविटी इतनी थी कि 12 साल तक वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और 12 साल हाफ लाइफ होती है हमारी यूटोनियम की, जिसकी मदद से ये कंफर्म हो गया साइंटिफिकली कि ये 12 साल का टैग बिल्कुल ही सही है। उसके बाद भी रेडियो एक्टिविटी कहाँ काफ़ी हद तक वहाँ पे रही है। एंड आज की डेट में भी हिरोशिमा नागासाकी में जो जनरेशंस बची थी वहाँ पे, उनके जो बच्चे हो रहे हैं उनमें कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, लाइक कैंसर या कोई और। इसी प्रकार से जब लक्ष्मण श्री लंका पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहते थे, तब राम जी ने उनको बोला था कि लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अगर तूने श्री लंका पे करा तो सारी श्री लंका ख़त्म हो जाएगी, और सीता माँ को जब तक हमें बचाते नहीं हम श्री लंका पे विनाश नहीं कर सकते। महाभारत में ब्रह्मास्त्र को कुछ इस तरह से विवरण करा गया है, 10,000 सूर्यों के बराबर आँख और धुएँ का एक जलता हुआ गोला अपने पूरे गौरव और अभिमान से ऊपर चढ़ा। ये एक अपरिचित अस्त्र था, एक लोहे के वज्र के समान था, मृत्यु का एक ऐसा विशाल दूत था जिसने विष्णु और अंधकों के समूचे वंश का विनाश कर दिया। लाशें इस तरह जल गई कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। इसका प्रूफ तब मिला जब कुरुक्षेत्र में कुछ रेडियो एक्टिव पत्थर मिले, और हाफ साइकिल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पता चला कि ये पत्थर हजारों साल पुराने हैं, टू बी प्रसाइज 5 से 5,500 साल पुराने। भगवान राम के जन्म को लेके अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इसका जवाब भी वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। रामायण में श्री राम की जन्म तिथि को कुछ इस प्रकार से बताया गया है, श्री राम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को अवतारित हुए थे। उस समय चंद्र का नक्षत्र पुनर्वास था, और सूर्य मंगल शनि बृहस्पति और शुक्र क्रमशः मेष मगर तुला कर्क और मीन राशि में थे। बुध और चंद्र एक साथ चमक रहे थे। ये बात साबित भी हुई, प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर का यूज करने पे पता चला कि श्री राम का जन्म 7,130 साल पहले, मतलब 10 जनवरी 5,014 ईस्व पूर्व, मतलब 5,014 BC में हुआ, और उस समय आकाश में वैसा ही दृश्य था जैसे कि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। नक्षत्रों की कुछ ऐसी स्थिति महाभारत में भी वर्णित है। जब इनका उपयोग किया गया तो पता चला कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 21 जुलाई 3228 ईसा पूर्व, मतलब कि 3228 BC में हुआ था। यह सब कुछ इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि श्री राम श्री कृष्ण जी से बहुत पहले आए थे। तो आपको अभी भी लगता है कि कोई इतनी मेहनत करेगा एक फेक स्टोरी को रियल साबित करने के लिए?
और ये नहीं, दशहरे और दिवाली में आपको पता है 20 दिनों का अंतर होता है। दशहरे में श्री राम ने रावण का वध करा था और उसके बाद सीता माँ को लेके वो अपनी नगरी अयोध्या पहुँच गए थे। एंड एग्जैक्टली दशहरे और हमारी दिवाली में 20 दिनों का अंतर है। अगर आप अभी गूगल मैप्स पे जाओगे और वहाँ पे देखोगे कि आपको श्रीलंका से अयोध्या आने में कितना टाइम लगता है, तो आपको देख के आप सिर पकड़ लोगे, एग्जैक्टली 20 दिन। तो कुछ इस प्रकार से इतना साइंटिफिकली कैलकुलेशन के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ, एंड अगर इस चीज़ को फेक भी करा गया है, इतने साल पहले कोई भी मतलब कि कोई तरीका नहीं था, अभी तो आप घर बैठे अपने फ़ोन से अपना वो चेक कर लिया कि श्रीलंका से यहाँ पे आने में कितना टाइम लगता है, उस वक्त ये टाइम का नहीं पता लगता। राम सेतु अगर फेक होता उस वक्त कोई भी, अगर वो नेचुरल तरीके से भी राम सेतु बना होता उस वक्त कोई भी उसको जानने का तरीका नहीं होता, क्योंकि आज तो हमारे पास सैटेलाइट है, सब कुछ है, हम देख सकते हैं उसको, बट उस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं था। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका, जब समुन्द्र के नीचे से द्वारका मिली तब सबको यकीन हो गया कि हाँ द्वारका है। उससे पहले किसी को यकीन नहीं था कि द्वारका नाम का शहर है कोई, और इसको सिर्फ एक महर कल्पना समझते थे। बट जब द्वारका मिली सबको यकीन हो गया कि हाँ द्वारका है। एंड पुराणों में जब लिखा हुआ था कि द्वारका के ऊपर एक बाढ़ आ गई थी और वो समुंदर के नीचे चली गई थी, ये बात भी 100% सच साबित हो गई। सिर्फ द्वारका नहीं, ऐसे और भी शहर हैं, इंद्रप्रस्थ, अस्थापुर, और ऐसे ही टोटल 35 शहर हैं इंडिया में, जिसका रामायण में एंड हमारे महाभारत में विकरण कराया गया है बहुत हजार साल पहले। तो मैं अंत में इतना ही बोलूंगा, हमारे भारत का इतिहास मिटने मत दीजिए। टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है बट इसका साइड इफेक्ट मत पड़ने दीजिए। टेक्नोलॉजी को यूज करो इन चीजों को साबित करने के लिए। टेक्नोलॉजी हमारे सामने इस चीज को लेकर आ रही है। अगर अंग्रेज इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो इंसान का इतिहास पढ़ा सकते हैं बुरी चीज़ों से लेके लव स्टोरी तक, तो आप थोड़ा सा इनिशिएट क्यों नहीं कर सकते हैं? इसको इनिशिएट करने के लिए बस आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना है, जिसको उनको भी नॉलेज मिलेगी। बस मैं एंड में इतना ही बोलूँगा, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, एंड आपको भी इंडियन होने का प्राउड होना चाहिए।